हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो वेल गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। ये मेरा होम स्टे था, बाइकर्स होम स्टे द्रास। सो गाइस, रात को अच्छी वाली नींद पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरे थोड़े से नींद में पेन हो रहा है और ये कल शाम से हो रहा है। रात को तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अभी पहले से थोड़ा कम है, लेकिन हाँ अभी भी पेन है। पता नहीं क्यों है, कुछ लगा भी नहीं, अपने आप ही हो गया ये पेन। पता नहीं क्या दिक्कत है। बस बाकी अब टाइम आ चुका है भाई निकलने का यहाँ से। टाइम अराउंड हो चुका है 9:50 भाई। सामान मैंने सारा का सारा माउंट कर दिया है बाइक में पहले ही, देखो सारा सामान माउंट कर दिया। ये मेरी राइडिंग जैकेट रही, बाइक मैंने लगा दी है स्टार्ट पे। अपने गर्म हो जाएगी बाइक, इंजन गर्म हो जाएगा। इंजन गर्म होना भी ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। तो बस अभी 5 मिनट में बस इतने इंजन हो जाए गर्म, उसके बाद फिर हम चलते हैं भाई। अभी तो धूप हो रही है बहुत यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रात को बहुत ठंड थी। रात को थी ठंड भाई, मैं जैकेट पहन के सोया था रजाई के अंदर, बस इतनी ठंड थी। आप अंदाज़ा लगा लो भाई। गाइस अभी चल रहे हैं भाई, आज हमें जाना है श्रीनगर। श्रीनगर रास्ता है यहाँ से भाई 4 घंटे अराउंड दूर। अभी 10 बज रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये लगा लो कि भाई 3 तो बज जाएंगे मेरे को पहुँचते पहुँचते, 5 घंटे लग जाएंगे मेरे को पहुँचते पहुँचते। तो भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस फटाफट चलते हैं और भाई दिखाते हैं आपको द्रास से श्रीनगर के नज़ारे दिखाते हैं। तो चलो भाई चलते हैं अब। चलो भाई भगवान का नाम लेके, बस आज की भी अपनी राइड अच्छी रहे, सफल रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। सही सलामत श्रीनगर पहुंच जाए। और फिर श्रीनगर का ये रास्ता भी दिखा रहे हैं भाई, 4:19 का ETA है, 2:12 का ये आ गया है प्रॉपर द्रास। वो जो था वो द्रास की स्टार्टिंग थी, एंड ये है भाई प्रॉपर द्रास। यहाँ पे तो भाई दुनिया भर के होटल्स हैं, दुनिया भर के, और अच्छी बड़ी मार्केट भी है। और मार्केट देख के मुझे याद आया कि मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, क्योंकि मैं हमेशा ब्रेकफास्ट बाहर करता हूँ, वो ठीक रहता है। क्योंकि होटल से करके चलता हूँ ना फिर मज़ा नहीं आता भाई, इसलिए बाहर ही कर लेता हूँ, ठीक रहता है। तो अब अगर कोई मिलती है डंकी इधर आसपास तो यहीं पे, नहीं तो कोई अगर आगे मेरे को ढाबा टाइप वगैरह मिला तो भाई वहाँ करेंगे। वैसे भाई द्रास में भी अच्छी बड़ी मार्केट है भाई, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा नॉर्मल छोटा सा ही होगा। बिल्कुल कोई नहीं, सही है। फाइनली मैंने ब्रेक ले लिया है, टाइम हो चुका है अराउंड 10:40 के अराउंड टाइम हो चुका है, और मैंने ब्रेक लिया अभी ब्रेकफास्ट के लिए श्रीनगर से 123 किलोमीटर पहले, 1-3 किलोमीटर्स पहले। यहाँ से व्यू देख लीजिए आप लोग। और हाँ भाई ये है ऐसे, इसका कुछ नाम तो इधर लिखा भी नहीं है भाई, कहीं भी कुछ नाम नहीं लिखा। और ये तो कोई अपनी ब्रांडिंग करके गया, रोटरी क्लब ऑफ वटाकारा सेंट्रल, पता नहीं इसका नाम नहीं लिखा इधर। और यहाँ अपने बाइक खड़ी भाई, ये सामान रखा। और अभी हमें जाना है वो ब्रिज क्रॉस करके वहाँ से राइट। तभी मेरे को ये दिख गया यहाँ पे खाली सा, धूप भी है, तो सोचा यहीं बैठ के अपना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेता हूँ। तो अभी बोला है भैया को लाएंगे अपने, खाएंगे अपने, आराम से 5-7 मिनट बैठेंगे, शरीर में एनर्जी आ जाएगी उसके बाद, और फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलो भाई अब चलते हैं इधर, कर लिया हमने बढ़िया ब्रेकफास्ट, और यहाँ से श्रीनगर आ गया 123 किलोमीटर्स, 2:55 का हो गया भाई ETA, आधे घंटे ज़्यादा रुक गया मैं इधर, सही हो गया। ये देखो ये है वो ब्रिज, इसके नीचे पता नहीं कौन सा है रिवर छोटा सा, उनका नाम भी नहीं है इधर कहीं आगे वहाँ। द्रास तक तो द्रास रिवर था, उसके बाद पता नहीं शायद चेंज हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलो भाई अराउंड 300 किलोमीटर चल चुका हूँ, अराउंड 295 के अराउंड में कल चल चुका हूँ ले से। और उसके बाद ना अब ये रास्ता पहली बार ख़राब आया भाई, खुद लगा लो मतलब 300 किलोमीटर के बाद फर्स्ट टाइम ये रास्ता ख़राब आया है। अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है क्योंकि चल रही है अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, पीछे का तो सीमेंट से बना हुआ था नया, लेकिन अब आगे का यहाँ का बन रहा है। तो भाई चलो कोई नहीं, 300 किलोमीटर के बाद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे इसे तो खुशी खुशी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी अब यहाँ से 108 किलोमीटर रह गया है भाई अपना श्रीनगर, वहाँ से बीच से ही
जी यहाँ पे तो बाइक फिसलेगी जी, बस थोड़ा बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिसलन यहाँ पे। आगे जाके हो गया ये ठीक थोड़ा सा, बस चलो मिट्टी देख लो। ओहो सामने जो ट्रक जा रहा है ना उससे आगे निकलना ही पड़ेगा भाई, वो कुछ नहीं दिख रहा, ये वाला हेलमेट के अंदर ही मिट्टी घुस रही है थोड़ी थोड़ी, इतनी मिट्टी उड़ा रही है, इससे आगे निकलना पड़ेगा वरना ये तो ऐसे ही परेशान करके रखेगा भाई साहब। बस जगह मिल जाए आगे निकलने की, चलो भाई मिल गई है। बस अब उड़ा ले भाई, तो कितनी मिट्टी उड़ाएगा, आँखों में इतनी मिट्टी घुस गई मेरी, वाइजर के अंदर भी घुस गई भाई साहब, यहाँ पे तो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। मैं क्या, जितने भी बाइक करते मेरे साथ सारे के सारे मिट्टी मिट्टी हो गए हैं, पूरे फ़ोन की स्क्रीन पे मिट्टी, हर जगह हाथों में मिट्टी भाई साहब, और इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब दूर दूर मिट्टी उड़ रही थी। और वैसे पता दूँ मैं आप लोगों को कि अभी इधर बन रही है भाई जोजिला टनल, जो कि होने वाली है भाई वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल, बनने के बाद 2025 तक बन जाएगी। और भाई उस टनल की लेंथ होने वाली है 14.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर। ओहो फिर ये है कि मेन जो दिक्कत होती थी वो यही रहती थी जोजिला पास वगैरह में, द्रास में, इस वजह से जो रास्ते होते थे वो होते थे भाई बंद। तो अब जो रास्ते हैं वो 12 महीने खुले रहेंगे, लेकिन अब मेरा रास्ता कैसे खुलेगा यहाँ से भैया, यहाँ से जाया जाएगा भाई हमें तो, ओहो करेंगे ऊपर फिर हम जाएंगे, ओ नीचे गिरा दिया। हाँ तो भाई 2025 तक वो बन के हो जाएगी तैयार, नीचे से जाना है, पता ही नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना भाई साहब। चलो थोड़ा रास्ता ठीक आया था, अब दोबारा आ गया खराब। लो भाई साहब जोजिला पहुँच गए हैं, वेलकम टू कश्मीर वैली यू आर एट जोजिला, ऑल्टीट्यूड 11,649 फीट। भाई साहब क्या रास्ता लेके आया है जोजिला, एक फ़ोटो तो लेनी बनती है भाई, मिस नहीं कर सकते, अब आए हैं तो फ़ोटो तो लेंगे ही। यहाँ से वापस जाओ भाई साहब बताओ, चलो यहाँ बाइक खड़ी करो और एक फ़ोटो इधर से लेते हैं, फोटोज वगैरह भी क्लिक। अब चलो यहाँ से जोजिला पास 0 पॉइंट, अब ये शायद मेरा लास्ट पास होगा इस ट्रिप का, शायद क्या पक्का लास्ट ही होगा, इसके बाद कोई पास नहीं आने वाला है। जोजिला पास पे हमने कर दिया है भाई एंड अपने पासेस की। ऐसा जी रास्ता देखिए भाई, रास्ता और ढलान है पूरी और बहुत ही ज़्यादा पतला है ये रास्ता भी, पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते काट काट दिए इन्होंने, ये हाल है भाई जोजिला पास के रास्ते का, देख लो आप लोग देख लीजिए। अब शायद मुझे लग रहा है कि इसी, ओहो देख लो ये रास्ता नीचे कहाँ तक जा रहा है, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा भाई साहब मुझे नीचे, ऐसा ही रास्ता है कच्चा और पतला। कोई नहीं देखो वहाँ तक कितने नीचे तक जा रहा है रास्ता, इस रास्ते से उतरना है मुझे, चलो उतरते हैं भाई उतरते हैं, अब यहाँ बैठ तो सकते नहीं हैं, उतरते हैं। ओहो भाई वाटर क्रॉसिंग, क्या ये लास्ट वाटर क्रॉसिंग होने वाली है मेरी, लेफ्ट में खाई देखोगे चलो शायद ये लास्ट थी वाटर क्रॉसिंग, लग तो मुझे ऐसा ही रहा है भाई, जल्दी से ख़त्म हो गया भाई ये रास्ता, कब तक ऐसे देखता रहूँगा मैं लेफ्ट में खाई को। गाइस देख सकते हो आप भाई ग्रीनरी आना स्टार्ट हो गई अच्छे से, मतलब पेड़ पौधे घास, ये धीरे धीरे लद्दाख की निशानी अब यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है भाई, कश्मीर में हम बस थोड़ी बहुत देर में एंटर कर ही जाएंगे, बस थोड़ी सी देर और फिर कश्मीर में एंट्री, उसके बाद तो फिर भाई ग्रीनरी ग्रीनरी दिखने वाली है अपने को। देखो जैसे आगे कितने सारे दुनिया भर के पेड़ हैं, है ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है इधर, इफ़ यू स्लीप योर फैमिली विल वीप,
ए भाई साहब, इनसे सीखो कोट्स बनाना। तो एक ये और दूसरे ट्रक वाले जो अपने ट्रक के पीछे कोट्स लिखते हैं ना, इनको तो भाई अवार्ड मिलना चाहिए, वर्ल्ड्स बेस्ट कोट राइटर्स। सही में अब एक ग्रीनरी आना अलग ही लग रहा है, अब थोड़ा सा अलग लग रहा है सच में। इतने दिनों से जैसे वही देख रहे थे ना, अब लग रहा है काफ़ी डिफरेंट भाई। कश्मीर में ड्रम कर चुके हैं भाई, जम्मू कश्मीर में हमारी एंट्री हो गई है भाई, हो गई है। और आने के बाद और ज़्यादा इधर हरियाली छा गई है भाई साहब, बहुत ज़्यादा हरियाली छा गई है। कश्मीर कश्मीर कश्मीर। चलो भाई अब यहाँ से दिखा रहे हैं 90 किलोमीटर का रास्ता श्रीनगर का, जिसके लिए दिखा रहा है मुझे 2 घंटे 40 मिनट। 90 किलोमीटर और 2 घंटे 40 मिनट, मतलब ट्रैफिक जाम या टूटा हुआ रोड तो है भाई, जब ही इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है ये, वरना दिखाता तो नहीं। और अभी टाइम हो चुका है भाई साहब 12:30 हो गए हैं, तो टाइम तो लगना ही है अपने को पहुंचने में। भाई साहब 4 बज जाएंगे मेरे हिसाब से पहुंचते पहुंचते, क्योंकि एक आध जगह बीच में रुकेंगे भी सही, बिना रुकेंगे तो बात बनेगी नहीं, एक आध जगह तो रुकना ही पड़ेगा। छोटा सा 5-10 मिनट का हॉल्ट 2 बार लिया जाएगा, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है तो 2 बार 5-10 मिनट का हॉल्ट तो लिया ही जाएगा, क्योंकि अभी जल्दी तो है नहीं, बस पहुँच जाएँगे आराम से। अब अपना होटल लेंगे, अपना काम धाम करेंगे। वीडियो भी कल नहीं आ पाई है, एक दिन लेट हो गई क्योंकि द्रास में नेट नहीं था भाई, डाउनलोडिंग स्पीड थी, अपलोडिंग स्पीड। अब ये देखो आप लोग, डाउनलोडिंग स्पीड भाई साहब 150 Mbps और अपलोडिंग स्पीड 1 Mbps, 1 या 0, कमाल हो गया सही में। वैसे भी देखो इसका टैंक जा रहा है, देखा आपने ये 3-4 ट्रक गए थे टैंक वाले, तो मैंने देखा कि आगे भी आने वाले हैं, आप लोगों को दिखाऊँ। अभी टैंक जा रहे थे, उसमें टैंक, ओह मैंने शायद मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपनी लाइफ में टैंक।